हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। सो आज हम रिवाइज करेंगे तीन कंसेप्ट, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, 10 टू 12 मार्क्स का है, और इस चैप्टर का जो सोल है, जो मेन है, वो है ये तीन मेथड, फैक्टराइजेशन। ये आना चाहिए, तभी ही आपको इसके आगे के कंसेप्ट, इसी चैप्टर के नहीं, आने वाले सारे चैप्टर्स में ये कहीं ना कहीं आपको यूज होगा ही। सो शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन से। तो इसमें हम देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो ये देखिए, हमने एक सम लिया। हाँ, अभी एक और बात याद रखना, आज हम एक ही सम लेंगे और उसको तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी एंड फॉर्मूला मेथड से भी। सो 2y² + 9y + 10 = 0 गिवन है। तो फैक्टराइजेशन में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आगे का जो होता है कोएफिशिएंट और जो पीछे का कांस्टेंट होता है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। सो 2 × 10 क्या हो गया, 20। अभी इसकी आपको फैक्टर्स तैयार करने हैं। सो अभी हम यहाँ पे तैयार करते हैं इसके फैक्टर्स। सो इसके फैक्टर्स क्या हो सकता है, 21 हो सकता है, 4 हो सकता है। हमें फैक्टर्स ऐसे चाहिए होते हैं। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे आगे प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 20। हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने के बाद हमें मिडिल टर्म मिले। सो 20 प्लस 1 करेंगे तो 9 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, और 5 + 4, ये वाला फैक्टर देखो, 5 + 4 करने से आप हमारा क्या आ जाएगा, ये जो मिडिल टर्म है 9, ये आ जाता है। इसलिए हमारे फैक्टर्स अभी हमें मिल गए हैं, एक है 5, दूसरा है 4। अभी हम उसको पुट डाउन करेंगे, पर जो वेरिएबल होता है वहां पे, अगर x होगा तो आपको x लिखना है, y होगा तो आपको y लिखना है। सो यहाँ पे हम 2y² वैसे ही लिखेंगे। जो मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म, यहाँ पे 9y। अभी ये ना लिख कर जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें लिखा जाएगा। तो फैक्टर्स क्या है, प्लस 4y, मैंने कहा वेरिएबल डालना है, प्लस 5y, ये अभी हमने लिख लिया यहाँ पे फैक्टर्स। और ये जो पीछे का 10 है ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ले आए यहां तक। अभी आगे हमें क्या करना है, कॉमन करना है, इसमें से और इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो कॉमन है उसे सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y + 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5y + 2 = 0। एज मैंने बताया था कि आपके जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है वो कम्प्लीटली सेम आने चाहिए। अगर वो कम्प्लीटली सेम है, इट मीन्स यू आर गोइंग करेक्ट। तो देखिए, हमारे यहाँ पे y + 2 और y + 2 कम्प्लीटली सेम है, मीन्स वी आर गोइंग थ्रू अ करेक्ट मेथड। लेट्स मूव फर्दर। सो y + 2 हम एक बार लिख लेंगे, और अभी क्या बचा है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे 2y + 5 इतना है, अभी उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखिए, 2y + 5 = 0। अभी दोनों को लिया जाएगा, एक बार y + 2 = 0 लोगे, और एक बार हम लेंगे 2y + 5 = 0। अभी आप निकालिए यहाँ पे 5 का टर्म, तो यहाँ पे प्लस 2 वहां जाके शिफ्ट होगा, हो जाएगा -2, और यहाँ पे आएगा y = +5, वहां जाएगा तो हो जाएगा -5, और जो 2 मल्टीप्लाई वो नीचे चला जाएगा, तो ÷2। सो यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली, एक आई है -2, एक आई है -5/2, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं, जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यस, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। पर रूल्स याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत इजी है बॉस। चलो, सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखते हैं। 2y² + 9y + 10 = 0, मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, इसके रूल वाइज जाना है। अगर आप रूल वाइज सब फॉलो करते हो, 100% आपका ये सम करेक्ट जाएगा। सबसे पहला रूल क्या था कि हमें कॉन्स्टेंट जो होता है, अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं, जिसको कोई भी वेरिएबल ना हो उसको आपको शिफ्ट करना है राइट साइड में। आई एम रिपीटिंग, जिसको कोई भी वेरिएबल ना हो उसे आपको राइट साइड में
शिफ्ट करना है. सो 2y² + 9y = जब +10 है उसको मुहावे पे भेजेंगे तो हो जाएगा -10. ये आ गया फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है हमें जो फॉलो करना है कि जो y स्क्वायर होता है या x स्क्वायर होता है उसके आगे का कोएफिशिएंट शुड बी ऑलवेज 1. देखो ये y स्क्वायर है, इसके आगे का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, पर वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ऑल डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, LHS में भी RHS में भी. सो लेट्स अप्लाई. तो यहाँ पे हो जाएगा 2y², पहले जैसा मैं इक्वेशन वैसे ही लिख लेती हूँ, करके दिखाती हूँ स्टेप कैसे करोगे. लिख लिया इक्वेशन हमने, अभी डिवाइड बाय 2 है तो देखो करते हैं. यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे भी कर लिया. अभी यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 1y² + 9/2 वैसे ही रहेगा = आप चाहो तो इसे कैंसिल करो, चाहो तो इसे ऐसे ही रख दें -10/2 डन. अभी इसके बाद स्टेप 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं. अभी स्टेप नंबर थर्ड क्या है, ऐड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन बोथ साइड्स. देखिए स्क्वायर भी करना उसका, लिख लेते हैं ऐड एंड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y होल ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो ये फॉर्मूला अभी हमें अप्लाई करना है. पहले हम इसे कर लेते तैयार. तो यहाँ पे आ गए ये एड हाफ है ना, तो हाफ वैसे लिखते हैं इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब y के आगे जो नंबर है उसे. तो देखिए y के आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, y के आगे 9/2 कर लिया. देखो मैंने हाईलाइट किया है ताकि समझ में आए. सो उसके आगे क्या है, 9/2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो ये अभी हमें दोनों साइड ऐड करना है. अभी यहाँ पे ना एक बात एकदम ध्यान से सुनना, उसे एकदम ब्रेन में लॉक कर देना है कि इसको आप ऐसे ही रखोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे. यानी कि 9/4, 9 × 1 = 9, नीचे 2 × 2 = 4, इसे आप ऐसे ही रखोगे. 81/16 नहीं लिखना है, इसी टर्म में रखना है. अभी लेंगे आगे इसे y स्क्वायर एज इट इज. ये जो इक्वेशन है ये मैं वैसे का वैसे ही यहां लिख रही हूं, +9/2y + 9/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर = -10/2 + 9/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर. इस पे ध्यान दो, जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया है यहाँ पे ये इतना यहाँ सा है, ऊपर से हमने इसे जैसे वैसे का वैसे नीचे नोट डाउन किया है. और दोनों साइड पे क्या लिखा था वहां पे, एड, तो दोनों साइड में मैंने 9/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या कर दिया, एड कर लिया. तो यहाँ तक मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट. अभी नेक्स्ट स्टेप जिसे फोर्थ स्टेप है हमारा, कि आपको सिलेक्ट करना है. अभी किसे सिलेक्ट करना है ध्यान से सुनिए, यहां से केवल y लेना है, जो भी होगा सिर्फ y, जितना मैं कह रही हूं उतना ही सिलेक्ट करके लिखना है. उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन होगी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. तो अभी यहाँ पे प्लस उतना लिख लिया. उसके बाद ये 9/4 जो अंदर है, स्क्वायर के जो अंदर है, उसे आपको वैसे का वैसा लिखना है 9/4, और इसके ऊपर डाल देना है होल ब्रैकेट स्क्वायर. हो गया क्लियर, क्या क्या टर्म्स हमें नीचे लिखने हैं. ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे यहीं पे आप गलती कर जाते हो, इसे एकदम ध्यान से सुना है. क्या क्या मैंने लिया उसे नोट डाउन कर लो.
हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो सकती है गलती, एक मैं वो बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 9/4 है, किसी किस यहाँ पे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है, 9/4 प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है जब आप सॉल्व करोगे अदर एग्जाम्पल, तो वहां का प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ का जो मैंने ऑरेंज लिया है ना सिर्फ यहाँ का ही लेना है, 9/4 के पास कोई भी साइन हो डजेंट मैटर एट ऑल। चलो इज इक्वल्स टू, अभी आगे सॉल्व करते हैं, अभी इसे क्या करना है, ये जो इस साइड है इसे आप कंप्लीटली नॉर्मल वे से सॉल्व करो, सो -10/2 प्लस, अभी आप सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर विल बी 60, अभी हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 160, एलसीएम निकाल सकते हैं आप, 16 × 2 = 32, और ये यहाँ पे एज इट इज y +9/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है बिगर टर्म का साइन आएगा, सो ये हो गया +2/32, ये यहाँ पे इसी तरह रहेगा y +9/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, अभी इसे हम करते हैं कैंसल, 2 × 1 = 2, 16 × 1 = 2, y +9/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आंसर 1/16। अभी यहाँ पे हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपको हर स्टेप वहां पे लिखनी है, सो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसल्ड, y +9/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का आंसर 1 होता है, अंडर रूट 16 जो है उसका आंसर 4 होता है, लेकिन प्लस और माइनस में जब भी हम रूट सॉल्व करते हैं उसका आंसर लिखते हैं तो वहां पे प्लस और माइनस लिखना ही है, अब इसे आगे सॉल्व करें फास्ट, सो एक बार आ जाएगा y +9/4 + 1/4, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार मैंने प्लस लिया और नेक्स्ट टाइम मैं माइनस लूंगी यहाँ पे, सो y +9/4 = -1/4, अभी बस हम लास्ट स्टेप में इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सो y = 1/4 - 9/4 विच विल बी -2, और यहाँ पे आ जाएगा y -9/4 ओके, सो ये आएगा -5/2, सो यहाँ पे हमारी y की दोनों वैल्यूज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आ गई, अभी हमें लास्ट मेथड देखना है जो कि सबसे इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना है, पुट करना है, आंसर निकालना है, फॉर्मूला मेथड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जनरल फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाती है, ए की वैल्यू आ गई 2, तो वो मैं यहाँ लिखते जाती हूँ कि ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, बी की वैल्यू 9 है, सब प्लस में है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर माइनस में हो तो माइनस लिखना है, और सी की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो याद करके जाना है, सो वाई इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना x होगा तो x लिखोगे, y होगा तो y लिखोगे, y इज इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac/2a, अभी आपको सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है, सो सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज, सो b की वैल्यू कितनी है 9, सो -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर, आई एम राइटिंग डायरेक्टली 81 -4, ए की वैल्यू कितनी है ऊपर से देखो 2 है और सी की वैल्यू है 10 और नीचे क्या है 2 × a, सो 2 ऐसे ही रहेगा और ए की वैल्यू है 2, अब इससे आगे सॉल्व करता है, -9 + -81 = 80/4, सो -9 + -8 ये आ गया 1/4,
अभी यहाँ पे रूट सॉल्व करोगे तो देखो रूट के बाद उन्होंने फॉर्मूला में ही प्लस माइनस गिवन है, नो प्रॉब्लम. सो माइनस नाइन प्लस माइनस रूट वन इज वन अपॉन फोर. अभी से आप इस तरह से दो लिखेंगे, यहाँ पे माइनस नाइन एक बार प्लस वन बाय फोर, सो आंसर आ जाएगा इसका भी माइनस टू. और एक बार हम लिखेंगे माइनस नाइन माइनस वन बाय फोर, वही जो स्टेप हमने ऊपर किया था कंप्लीटिंग में, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव बाय टू. सो यहाँ पे हमने तीनों मेथड्स कंप्लीट किए हैं. हाँ, अभी ध्यान से सुनो, हमने जो तीनों मेथड्स किए, आप एक बार सब पे जाइए. देखो हम फर्स्ट मेथड में जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, इसमें हमारा आंसर क्या आया था वाई का माइनस टू एंड माइनस फाइव बाय टू. अब तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर होगा क्योंकि मेथड अलग है, सम तो वही है. तो आप कोई भी मेथड ले लो, फैक्टराइजेशन ले लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ले लो, फॉर्मूला मेथड ले लो, आपका जो आंसर है वो हर मेथड से सेम ही आना चाहिए. हाँ, और एक और बात, अगर किसी के फैक्टर्स आपको ऐसे भी सम्स होते हैं जिसके फैक्टर्स हमें फैक्टराइजेशन से नहीं मिलते, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं होता है, तो वहां पे आपको फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना होगा. सो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं. आई होप आपको सारा कंसेप्ट इजी वे में समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.